नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपको मैं स्वागत कर रहा हूं। और आज ये चर्चा का विषय है, आज हमारे देश में किसान इतने उत्तेजित क्यों है, सड़क में क्यों निकल गया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये जो नया कानून आए हैं ये किसानों के हित में है, मगर विरोधी दल सब लोग अत्यंत उत्तेजित है, बोल रहे कि नहीं हमारा स्थिति और भी बिगड़ जाएगा। प्रधानमंत्री कह रहे कि किसानों के आमदनी दुगना हो जाएगा, मगर किसान लोग कह रहे कि हम आपके पास विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो सहयोगी दल, जो एनडीए गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में गठबंधन में भी उन लोग भी आज नहीं है, जैसे शिरोमणि अकाली दल और जैसे बीजू जनता दल, जैसे तेलंगाना राष्ट्र समिति, इन लोग भी आज नाराज है। तो ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा कैसे बन गया, इस विषय के ऊपर मैं आज आमंत्रण कर रहा हूँ सिराज हुसैन जनाब को। सिराज हुसैन जी कृषि मंत्रालय में भूतपूर्व सचिव थे, सेक्रेटरी फूड प्रोसेसिंग भी थे, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया थे, और IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 35 साल रहा। तो सिराज हुसैन जी जनाब, ये तो पहले अध्यादेश हुई थी, उसी समय कुछ लोग तो चिल्ला चिल्ली शुरू कर दिया, जून 5 3 अध्यादेश लाया भारत सरकार ने, अब लोकसभा राज्यसभा में, राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा किस तरह से हलचल हुई। इतवार के दिन, सोमवार के दिन 8 विरोधी दल के सांसद को सस्पेंड कर दिया। तो आज क्यों विरोधी दल इतने उत्तेजित है, और ये सचमुच ये जो नया कानून लाए हैं भारत सरकार, ये हमारे देश के कृषक, हमारे देश के किसान के हित में है कि नहीं, इस विषय के ऊपर एक ओवरव्यू, एक जो बड़ा छवि है ये पहले बताइए, फिर आपको मैं बारीकी से एक एक नया कानून के बारे में सवाल उठाऊं। देखिए, इसकी जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में तो हमारा कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा, वो तो आपके दर्शक अपने आप फैसला करें कि पॉलिटिक्स में कौन सही है कौन गलत है वगैरह वगैरह। लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि ये तीनों कानून गुज़िश्ता तकरीबन 20 साल से ज़ेर बहस हैं, इनके ऊपर डिस्कशन हो रहा है 20 साल से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मॉडल APMC लॉ सर्कुलेट किया, उसके बाद कई बार राज्य सरकारियों की कमेटियां बनाई गई, चीफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनी, एक लॉ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी सर्कुलेट हुआ, पहले वो APMC लॉ का ही हिस्सा था, उसके बाद में 2018 में एक अलग से लॉ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सर्कुलेट हुआ जिसको APMC से बाहर निकाल दिया गया। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बारे में भी बहुत सालों से ये डिबेट हो रहा है कि इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, ट्रेड को ये डर रहता है कि कब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्ट्रिक्शंस लगा दे, और चीफ मिनिस्टर्स की कमेटी ने भी इसको रिकमेंड किया था कि इसको इसकी मौजूदा शक्ल में तब्दीली लाने की जरूरत है। तो ये जो तीनों नए कानून सरकार लाई थी अध्यादेश के माध्यम से, इनमें कोई ऐसी बहुत नई चीज नहीं थी कि पॉलिटिकल पार्टीज को उसकी जानकारी नहीं थी, ये डिस्कशन में थे। ये अलग बात है कि अध्यादेश के माध्यम से ये कोरोना के बीच में आ गए, और इसलिए इस पर शायद जो डिबेट वाजिब था वो नहीं हो सका। सिराज हुसैन जनाब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, 5 जून वो जो महामारी के बीच अध्यादेश लाया सरकार ने, आपने ये भी बिल्कुल ठीक कहा कि APMC जो कहेंगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, जो कृषि उत्पादन वाणिज्य और व्यापार जो समिति होते हैं, मंडी सिस्टम जो है, इसके ऊपर भी आज बहुत साल से, बहुत दशक से चर्चा चल रहे हैं। अब ये भी ठीक है, ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो 55 साल में शुरू हुई थी, ये कानून, ये आवश्यक वस्तु के बारे में जो कानून है, इसके ऊपर भी हम लोग बहुत दिन बातचीत कर रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, बड़े बड़े कंपनियों के साथ जो ठेका कृषक को होगा, इसके विषय भी। तो ये क्या, जिस तरह से सरकार ने कानून लाया इसीलिए लोग आज आपत्ति जना रहे हैं, राज्य सरकार के साथ बातचीत नहीं करके, अनुमति तो भूल ही जाइए, विरोधी दल से बातचीत नहीं करके, और लग रहा है हमें कि सरकार इनसे चर्चा भी करना नहीं चाहते हैं, तो लोग आज यही आपत्ति जना रहे,
बोल रहे कि आप किसी के बात क्यों सुनने नहीं चाह रहे। आप सचमुच अगर ये किसान के हित में है तो आप जो भी लोग कह रहे, विरोधी दल जो भी टिप्पणी कर रहे, जो भी आलोचना कर रहे, ये सुनने के लिए आप क्यों तैयार नहीं है? सरकार मोदी जी, आप क्यों बात सुनने चाहिए? यही सवाल उठ गया। इट इज नॉट ओनली द एक्ट बट द वे इट हैज बीन इनएक्टेड। और इसके बारे में तो पॉलिटिकल लोग ही बता सकते हैं कि उनको क्या मसलहत लगी कि इसको इतनी जल्दी में कानून बनाया जाए। लेकिन मेरा अपना पर्सनल मानना यह है कि जो इस तरह के कानून हैं जिनमें राज्य सरकारों का ज्यादा बड़ा रोल है, मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कानून है, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, हालांकि उसमें ट्रेड की एंट्री को लेके कॉन्करेंट लिस्ट से ये कानून बनाए गए हैं, तो उनमें बेहतर ये होता है कि एक कॉन्सेंसस बिल्डिंग की कोशिश की जाए और पार्लियामेंट की कमिटीज में उन पर डिस्कशन हो और उसके बाद कानून बनाए जाएं। आज जो लेख मैंने मनी कंट्रोल में लिखा है उसमें यही बात कहने की कोशिश की है कि अब इसका जो आगे का रोड मैप है अगले 10 साल का, उसके लिए भी एक कंसेंसस बनाने की जरूरत है कि पीडीएस का क्या रूप होगा अगले 10 सालों में, पीडीएस को कितना हम डीबीटी के माध्यम से इंप्लीमेंट करेंगे, कितना हम फिजिकल ग्रेन्स में कंटिन्यू करेंगे। पीडीएस के मतलब है जो सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है, और ये डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि जो भी सब्सिडी अनुदान जो लोगों को मिलेगा सीधा उनका बैंक के खाता में आ जाएगा, यही आप कह रहे हैं। तो सुरेश हुसैन जी, ये विषय के ऊपर बहुत साल से चल रहे, आप जैसे कहा हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो संघीय ढांचा है, आज लोग कह रहे हैं आप इस विषय के ऊपर आप एकदम राज्य सरकार के कोई जो भी राय है आप उनसे बात क्यों नहीं किया? ये देखिए, आपने कहा जो ये कृषि, ये जो विषय है ये राज्य का विषय है, मगर आप जैसे कहा जब व्यापार होता है, जब होता है, जब खाद्यान्न की चीजें हैं, जब ये जो कृषि क्षेत्र का जो अलग अलग सामग्री है एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो एक तरह से ये एक समिति सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट में चले जाएंगे। तो आज लोग कह रहे हैं कि ये सरकार सचमुच ये फेडरल स्ट्रक्चर या जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बात आप करते हैं, ये संघीय ढांचा मानने के लिए तैयार नहीं है। केंद्र जो कहेंगे यही होना चाहिए, यही जो है ये संदेश आ रहा है जिस तरह से नया कानून लाया। इसमें राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच में जाहिर है कि मतभेद हैं, और जहां तक मुझे मालूम है अभी तक किसी राज्य सरकार ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया है, इन ऑर्डिनेंसेस को या इन एक्ट्स को। अभी एक्ट तो नहीं बने हैं, अभी प्रेसिडेंशियल असेंट के बाद ये एक्ट बन जाएंगे, तो जब इसका लीगल चैलेंज होगा तब शायद इसकी लीगैलिटी पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा। लेकिन बहरहाल तब तक हम ये मानेंगे कि ये कानून लीगल हैं और इन पर अमल दरामद होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे कि सरकार एक तरह से गलत खबर गलत फहमी फैला रहे कि एमएसपी यानी कि न्यूनतम जो मूल्य है, जो न्यूनतम सपोर्ट प्राइस जो है एमएसपी, ये हटाना चाह रहे। सरकार कह रहे नहीं, मैं नहीं हटाना चाहता हूं, हम लोग नहीं चाहते कभी इसको हटाना। मगर जिस तरह से ये जो एमएसपी के बात हम जब करते हैं, क्यों लोग आज परेशान है? क्यों आज लोग इतने, सरकार मोदी जी खुद कह रहे कि हम नहीं हटा रहे, क्यों फिर भी इतने लोग क्यों उनके बात विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है? इसकी वजह यह है कि ये कानून जो तीनों बनाए गए हैं, अभी बन रहे हैं, इनका एक पस मंजर है। और इसका पस मंजर यह है कि शांता कुमार कमेटी ने एक रिपोर्ट दी 2015-16 में, जिसमें ये कहा गया, कई तरह की संस्तुतियां उसमें की गई, उसमें कुछ खास बातें ये हैं, सरकार से ये गुजारिश की गई कि आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो कवरेज है 67% उसको घटा के 40% करिए।
और बाकी लोगों को जो आप देना चाहते हैं अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, तो आप उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दीजिए। इसका मतलब यह है कि अगर कवरेज को घटाने की संस्कृति है तो जाहिर है कि जो गवर्नमेंट की ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट है 65-66 मिलियन टन वो कम हो जाएगी, और अगर वो जरूरत कम हो जाएगी तो जाहिर है कि गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट भी कम करने की जरूरत होगी। तो इस पस मंजर में किसानों के सामने ये बात है और राज्य सरकारों के सामने ये खौफ है इस तरह का कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत सरकार जो शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट है उस पर अमल दरामद करने की दिशा में कदम उठा रही है और पीडीएस को कम किया जाएगा, फिजिकल ग्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो लोग अहल हैं उनको धनराशि दी जाएगी। इसकी वजह से ये एक कमोशन जैसी स्थिति पंजाब और हरियाणा में है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रोक्योरमेंट का फायदा होता है धान का और गेहूं का वो इन्हीं दो राज्यों में होता है। सिराज हुसैन जनाब, ये जो तीन कानून है, अंग्रेजी में लंबा लंबा नाम है इनकी, पहले वाले का नाम है दी फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। सरल भाषा में ये जो एपीएमसी है, एपीएमसी को आप हटा रहे हैं। एपीएमसी मतलब कृषि उत्पादन वाणिज्य और व्यापार समिति। दूसरे जो कानून है दी फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज, एक तरह से जिस तरह से आप ठेका कृषक और बड़े बड़े जो खरीदने वाले हैं, इसमें बड़े बड़े कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय संस्था भी है। और आखिरी जो कानून है ये जो आवश्यक वस्तु का जो कानून आपने वो नया बना दिया, द फ्रीडम ऑफ फ्रूट स्टॉकिंग बाय एग्री बिजनेसेस एक्ट। तो एक एक करके हम पहले बात करते हैं। ये जो एपीएमसी के बाद आपने किया, सरकार कह रहे एक देश एक बाजार, प्रधानमंत्री कह रहे कि ये जो व्यापारी थे जो बिचौली थे ये किसान को उनका खून चूस लिया, दे वर बुलीड बाय मिडलमैन, अब हमारे देश के कृषक स्वाधीन हुए हैं, उनका जीत हुई है। और आजकल वो उतना नहीं बात करते हैं कि दुगना हो जाएगा कृषक का आमदनी, मगर आप क्या सचमुच समझते हैं, जैसे पंजाब हरियाणा में आर्थिया है, इन लोग के साथ राजनीतिक राजनेताओं का एक गठबंधन है, मगर सचमुच की है जो बिचौली है ये हट जाएगा और कृषक के पास ज्यादा आमदनी होगा, और इसका क्या असर पड़ेगा पंजाब हरियाणा जैसे थे, वो मंडी का जो कर बैठते हैं इसमें से, वो खुद कहते हैं कि हमारा पैसा आता है, हम वैसे भी हमारी स्थिति बहुत खराब है, हम सड़क बनाने का मंडी बनाने का पैसे भी आते हैं। सो आई वांट यू टू लुक एट इट फ्रॉम टू एंगल्स, ये जो सचमुच क्या एक देश एक बाजार, सचमुच इसका फायदा होगा कृषक को, फायदा मिलेगा या नहीं? देखिए आपने कई सवाल एक साथ कर लिए, मैं कोशिश करूंगा कि उनमें से कुछ का जवाब दूं। देखिए अगर हम पंजाब हरियाणा के पर्सपेक्टिव में बात करें तो इसमें तीन अहम प्लेयर्स हैं। एक प्लेयर तो है राज्य सरकार, अगर मंडियों के बाहर प्रोक्योरमेंट होने लगता है तो राज्य सरकार की मंडी समितियों को जो इनकम है वो कम हो जाएगी, जो कि तकरीबन 3,500 करोड़ रुपए सालाना है। तो जाहिर है कि अगर वो इनकम कम हो जाएगी तो राज्य सरकार उस पैसे से रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करती है, रूरल रोड्स को मेंटेन करती है, मंडियों की मेंटेनेंस करती है, तो जाहिर है कि वो उसके लिए धनराशि नाकाफी होगी और मंडियां डिटीरियोरेट होने लगेगी। ये तो राज्य सरकार का कंसर्न है। दूसरा कंसर्न है आढ़तियों का। पंजाब और हरियाणा में आढ़तिया कमीशन 2.5% है। हमने कई बार जब हम भारत सरकार में भी थे खाद्य मंत्रालय में, तो ये कोशिश की कि आढ़तियों का कमीशन एमएसपी से लिंक नहीं होना चाहिए। जब भी एमएसपी बढ़ता है तो आढ़तियों का कमीशन अपने आप बढ़ जाता है। आप देखिए 17-18 में धान के एमएसपी में तकरीबन 13% का इजाफा हुआ, तो आढ़तिया कमीशन भी अपने आप बढ़ गया 13%, जबकि आढ़तिया जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ मगर उनका कमीशन बढ़ गया।
इसी तरीके से बॉम्बे की मंडी अगर आप ले वाशी, वहां पर 8-10% कमीशन है, 5 मिनट के अंदर अंदर आप किसानों की फसल को ऑक्शन करते हैं, 10% कमीशन है। इसी तरीके से आजादपुर मंडी में हॉर्टिकल्चर में बहुत ज्यादा कमीशन था। तो ये बात सही है कि आढ़तियों के कमीशन को फिक्स करने की जरूरत है, और अभी तक भी ये सरकार भी इन ऑर्डिनेंस को लाने के बावजूद भी वो नहीं कर पाई है। इसमें कई रिपोर्ट्स भारत सरकार के सामने हैं। एक कमेटी तो मैंने ही चेयर की थी एज जॉइंट सेक्रेटरी फूड, हमने ये रिकमेंड किया था कि इनके कमीशन को फिक्स किया जाए। तो ये दूसरा प्लेयर है। तीसरे प्लेयर पंजाब हरियाणा में किसान है, उनको ये लगता है कि अगर प्रोक्योरमेंट मंडियों के बाहर शिफ्ट हो जाएगा या प्रोक्योरमेंट कम हो जाएगा, क्योंकि अगर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की जरूरियात कम हो जाती है, 65 मिलियन से घट के मान लीजिए 40 मिलियन हो जाती है, तो फिर दाम ओपन मार्केट में गिर जाएंगे और पंजाब हरियाणा में कुल मिला के तकरीबन 81,000 करोड़ रुपए का सालाना पेमेंट एमएसपी का हुआ है, इस साल हुआ है 81,000 करोड़। तो अगर दाम गिरते हैं तो हो सकता है कि किसानों की आमदनी 15,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए कम हो जाए। तो इस तरह के अप्रेंशन हैं कि तीनों कैटेगरीज के मैंने आपको बताए, राज्य सरकार का अप्रेंशन, आढ़तियों का अप्रेंशन और किसानों का अप्रेंशन। तो देखिए सिराज हुसैन जनाब, आपने इस विषय के ऊपर लेख लिखा है। आज क्या स्थिति है भारत का पूरा कृषि व्यवस्था का, अगर आप छवि देखेंगे 80% से भी ज्यादा, 84% जो कृषक है छोटे के, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, कितनी जमीन है 2.5 एकड़ के आसपास। बहुत सारे हमारे देश के बटाईदार है, शेयर क्रॉपर्स है, बहुत सारे हमारे देश के भूमिहीन मजदूर है, ये स्थिति है हमारे। तो मेरा कहना है कि ये सारे जो कमजोर किसान हैं, वो सचमुच उनको फायदा होगा, सचमुच ये एक देश एक बाजार होने के बाद उनका फायदा मिलेगा। क्यों पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि हम देखा पिछले कई दशक से जब कीमत, जब जो भी आप बोलिए, आप प्याज कहिए, आलू बोलिए, कुछ भी, कृषक का जब दाम बढ़ जाते हैं सरकार आयात करना शुरू कर देती है, फिर दाम बढ़ जाता है, दाम जब गिर जाते हैं तो उसका फायदा भी कृषक को नहीं मिलता। तो दे आर लूजर्स वेदर द प्राइस गोज अप और प्राइस डाउन। इसीलिए आज जो कृषक है अत्यंत दुखी है, लाखों किसानों ने आत्महत्या किया, क्योंकि आज कृषि क्षेत्र और कृषि इतने खतरनाक एक प्रोफेशन हो गया। तो आपने जैसे उदाहरण दिया प्याज मसूर दाल, इट पॉइंट्स टू एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो कृषक लोग को सचमुच फायदा नहीं मिल रहा है, दाम जब बढ़ता है नहीं मिलता, दाम जब घट जाता है फिर भी नहीं मिलता। तो कीमत इधर जाए या उधर जाए कृषक को कुछ नहीं मिल रहा है। देखिए एसेंशियल कमोडिटीज ऑर्डिनेंस का यही मकसद था, उसकी मंशा ये थी कि हम कृषि के बिजनेस में प्रेडिक्टेबिलिटी लाएं, हम उसमें जो आर्बिट्रेरीनेस है सरकार की तरफ से, जब मर्जी हो स्टॉक लिमिट्स लगा देते हैं, मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, एक्सपोर्ट पे पाबंदियां लगा देते हैं, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस फिक्स कर देते हैं, उस रेजीम को बदल के ये मंशा थी सरकार की कि हम एक प्रेडिक्टेबल रेजीम बनाएं जिसमें, जिसकी वजह से ट्रेड और कॉमर्स और किसान तीनों एक साथ मिलकर काम करें और एक्सपोर्ट्स प्रभावित ना हों, किसानों के ऊपर अननेसेसरी बर्डन ना पड़े। ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एक सरकार का कदम था एसेंशियल कमोडिटीज ऑर्डिनेंस, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि अभी वो ऑर्डिनेंस एक्ट भी नहीं बना और उससे पहले ही प्याज के दाम थोड़ा सा बढ़े सितंबर के महीने में और सरकार ने एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। मैंने इसके बारे में लेख भी लिखा है, और जबकि एसेंशियल कमोडिटीज ऑर्डिनेंस में लिखा गया था कि पिछले एक साल में अगर दाम 100% बढ़ते हैं तभी इस तरह की पाबंदी लगाई जा सकती है, पिछले 12 महीने में या पिछले 5 साल में दोनों ही कंडीशन मीट नहीं हुई थी और उसके बावजूद एक्सपोर्ट पर बैन लग गया। तो जाहिर है कि ये जो एसेंशियल कमोडिटीज ऑर्डिनेंस की स्पिरिट थी उसके खिलाफ ये फैसला हुआ। तो मुझे लगता है कि सरकार इसके बारे में सोचेगी और
अपने एसेंशियल कमोडिटीज रेजीम में, ट्रेड रेजीम में और डोमेस्टिक पॉलिसीज में एक समन्वय स्थापित करेगी जिससे कि इस तरह के फैसले आगे चल के ना हो। जो आपने अभी अभी प्याज का कहानी सुनाया वही कहानी हम देख रहे हैं मसूर दाल में हो रहे, इस विषय की कुछ कहिए आप समझा दीजिए हमारे जो दर्शक है इनको। मसूर के पीछे जो कवायद है वो तो हम भी पूरी तरह समझ नहीं सके हैं, क्योंकि अचानक एक फैसला जून में, 2 जून को गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया और उसकी ड्यूटी 30% से घटा के 10% कर दी कनाडा से इंपोर्ट के लिए, क्योंकि यूएस ने हमारी कुछ कमोडिटीज पे ड्यूटी बढ़ा दी थी जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस को विथड्रॉ करके। तो इन रिटेलिएशन हमने यूएस के लिए ड्यूटी कम नहीं की, कनाडा के लिए ड्यूटी 10% कर दी। वो ड्यूटी 31 अगस्त तक के लिए कम की गई, 1 सितंबर से फिर से ड्यूटी वापस 30% हो गई और अभी 2 दिन पहले नोटिफिकेशन आ गया वो ड्यूटी फिर 10% हो गई। तो जाहिर है कि ये बहुत ज्यादा एडहॉकिज्म है पॉलिसी मेकिंग में और इसको ठीक तरह से हम समझ नहीं पाए हैं इसके क्या कारण है, कोई वजह ऐसी शायद वो सरकार के पास तो वो सामने आनी चाहिए। लेकिन बेसिक बात ये है कि ट्रेड पॉलिसी में और डोमेस्टिक पॉलिसी में जब तक सामंजस्य नहीं होगा तब तक किसानों की फसल जब आने वाली है उस मौके से अगर ड्यूटी कम कर दी जाएगी तो जाहिर है डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस गिर जाएंगे, जब प्राइसेस गिर जाएंगे तो किसानों को नुकसान होगा। अब इसमें तो कोई इन्वेस्टिगेशन हो, कोई वाइट पेपर गवर्नमेंट की तरफ से आए, कोई पार्लियामेंट क्वेश्चंस हो, तब ये पता लगेगा कि ये जो मसूर की ड्यूटी पे बार बार घटाने और बढ़ाने के फैसले हुए हैं इनकी क्या वजूहत हैं। हो सकता है गवर्नमेंट के पास कोई बड़े स्ट्रॉन्ग इसके रीजंस हो, लेकिन वो हमारी नॉलेज नहीं है। सिराज हुसैन जी, आप क्या समझते हैं कि ये जो नया कानून आने के बाद जो हमारे बिचौली है, जो हमारे आर्थिया है, जो कमीशन एजेंट्स है, लोग कहते हैं इनको अनुचित लाभ मिलता है, ये बंद हो जाएगा, आप क्या सचमुच समझते हैं? इसमें एक चीज समझने की जरूरत है कि देश के हर राज्य में कमीशन एजेंट नहीं है, पहले ये हमको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। मिसाल के तौर पे मध्य प्रदेश में कमीशन एजेंट नहीं है, वहां कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम करती हैं। छत्तीसगढ़ में कमीशन एजेंट नहीं है, वहां कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम करती हैं। कुछ राज्यों में कमीशन एजेंट है भी तो उनका कमीशन 2.5% नहीं है। ये पंजाब और हरियाणा है जहां उनका कमीशन 2.5% है। तो कमीशन एजेंट बेसिकली ऑक्शन कराते हैं कमोडिटी का और बायर को एक रीअश्योरेंस देते हैं कि जिस क्वालिटी का माल वो चाहते हैं वो किसान से डिलीवर करवाएंगे, और किसानों को रीअश्योरेंस देते हैं कि वो खरीदार से पेमेंट दिलवाएंगे। तो मैं समझता हूं कि अगर ट्रेड सचमुच एपीएमसी एरिया के बाहर शिफ्ट होती है तो कमीशन एजेंट्स का रोल कम हो जाएगा और सीधे कॉरपोरेट्स या प्रोसेसर्स किसानों से खरीद सकेंगे। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जो कमीशन एजेंट्स का कमीशन बचा के या टैक्सेस को बचाकर कॉरपोरेट्स जो खरीद करेंगे क्या उसका फायदा किसानों को होगा, ये सवाल ज्यादा अहम है। इसका मतलब आप कह रहे हैं एक आश्रम का है जो छोटे किसान हैं उनको फायदा नहीं मिलेगा, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स जैसे पेप्सी जैसे जो टमाटर खरीदेंगे, जो आलू खरीद लेंगे, जो बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय संस्था है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है जैसे अंबानी है, अडानी है, इन लोग को फायदा मिलेगा ज्यादा, और कृषक एक तरह से पूरा इनके ऊपर ये जो ठेका हो जाएगा उनके पास बड़े बड़े वकील है, हमारा छोटे किसान के साथ क्या वकील है? अगर फ्यूचर्स कुछ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बाद में कीमत बढ़ जाता है उसका फायदा इसको नहीं मिलेगा, अगर पैसा घट जाता है वो दाम कीमत कम हो जाता है नुकसान होने का भी एक संभावना है। क्योंकि जो आप कह रहे जो सरकार नहीं कर पाए एक संतुलन लाना कि उपभोक्ता का क्या हित है, व्हाट आर द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, और किसान के हित में, इन दोनों के बीच एक संतुलन नहीं है तो ये बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय संस्था तो अपना मुनाफा बनाने के ही काम चलेगा और छोटे किसान और भी कमजोर हो जाएंगे। आप तो आमदनी दुगना होना तो भूल ही जाइए, और भी स्थिति खराब हो जाएगा, ये एक नहीं। नहीं देखिए ये कई इशू मिक्सअप हो गए। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि अगर
कॉर्पोरेट्स और प्रोसेसर्स डायरेक्ट बाइंग करेंगे किसानों से, किसान अपनी प्रोड्यूस को सीधे प्रोसेसर की यूनिट पे ले जाएंगे, तो जाहिर है कि कमीशन एजेंट्स का कमीशन बचेगा और जो मंडी के अंदर के टैक्सेस वगैरह है वो बचेंगे। तो क्या कॉर्पोरेट्स और प्रोसेसर्स किसानों को कुछ एक्स्ट्रा दाम देंगे? ये एक सवाल है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। मैंने लिखा है कि इस खरीफ में जब क्रॉप आएगी तो नीति आयोग को चाहिए कि वो साइमल्टेनियसली इसका इवैल्यूएशन करें और ये देखें कि किसान किस दाम में अपनी फसलों को मंडी के अंदर और मंडी के बाहर बेच रहे हैं। ये तो एक बात हुई। अब आपने जो सवाल किया वो शायद इससे रिलेटेड है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें क्या होगा। उसके बारे में मेरा ये नजरिया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक ऑप्शनल व्यवस्था इस एक्ट के माध्यम से की जा रही है। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है किसानों के साथ कि वो कॉर्पोरेट्स के साथ कोई समझौता करें या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। और हमारे देश में जो बीज का उत्पादन होता है वो काफी कुछ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से होता है, वो कामयाब है। हमारे देश में पोल्ट्री का ज्यादातर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से होता है। उसमें भी छोटे किसान बहुत बड़ी तादाद में हैं और उससे किसानों का फायदा हुआ है। उसमें कॉर्पोरेट्स हैं और सारा रिस्क यानी कि कॉर्पोरेट्स लेते हैं, दवाइयां वो सप्लाई करते हैं, पोल्ट्री फीड वो सप्लाई करते हैं, किसानों को सिर्फ उनको अपनी जगह देनी होती है, उसकी देख रेख करनी होती है, तो उसका फायदा हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एज सच किसानों के लिए बहुत नुकसानदेह है। अभी ये आगे चल के कैसे डेवलप होती है ये देखने की बात है। सिराज हुसैन जी, ये देखिए लॉकडाउन के समय जो MSP था, न्यूनतम जो आपका दाम, जो समर्थन जो मूल्य था, ये आप धान के लिए, पैडी के लिए 2.9% आपने बढ़ा दिया। आपका जो CACP है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर प्राइसेस, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, इन्होंने कहा था कि इसको 5.1% बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपका पूरा कारोबार, मतलब आपका फसल उत्पादन के लिए आपका खर्चा बढ़ गया, हायर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। आप पीछे हट के देखिए, 2018 में इलेक्शन के पहले MSP पैडी के ऊपर आपने 12.9% बढ़ा दिया था, 2019 में आपने 3.7% बढ़ा दिया, और 2020 में आप 2.9%। तो आप कह रहे राजनीति नहीं है, हमें लग रहा है सब कुछ में राजनीति आ जाता है। सर देखिए, CACP की रिकमेंडेशंस पर सरकार ने 2017-18 में फैसला किया कि हम A2+FL जो पेड आउट कॉस्ट है उस पर 50% रिटर्न सब फसलों में देंगे, और 17-18 में धान में बहुत हैंडसम इंक्रीज दी गई, कॉटन में बहुत हैंडसम इंक्रीज दी गई और कई फसलों में काफी अच्छी वृद्धि की गई। जाहिर है कि उसकी वजह से काफी असरात हुए इंडिया के राइस एक्सपोर्ट्स 19-20 में 18-19 के मुकाबले में गिर गए, और अगर बहुत ज्यादा डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ते चले जाएंगे तो जाहिर है कि हमारी प्रोडक्ट्स अनकॉम्पिटिटिव होती चली जाएंगी। मगर मैं इसमें आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो मैं सुन रहा हूँ, मेरे पास जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि अगले साल के गेहूं के लिए जो शायद विचार विमर्श हो रहा है उसमें 8% की वृद्धि दी जा रही है। तो अब ये एक अजीबोगरीब बात है कि MSP को एक पॉलिटिकल टूल अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो उससे इंडियन एग्रीकल्चर, मैं समझता हूं कि अनकॉम्पिटिटिव होती चली जाएगी। सिराज जी देखिए, आपने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थे। आज हमारे पास जितने गेहूं है, जितने चावल है, हमें जितना जरूरी है बफर स्टॉक जो हम कहते हैं, उससे 3 गुना से भी ज्यादा है। फिर भी लोग आज सोच रहे हैं कि फूड कॉर्पोरेशन, ये सारे आपने कानून बदल दिया तो आप क्या फूड कॉर्पोरेशन को भी निजीकरण कर देंगे, बेच देंगे? यही लोग सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री, जैसे मैंने पहले आपसे सवाल उठाया कि ये जो MSP है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम नहीं हटा रहे, मगर विरोधी दल सब लोग कह रहे हैं कि हाँ इसी रास्ते से सरकार जा रहे हैं।
तो एक तरह से विश्वास जो किसान का सरकार के ऊपर होना चाहिए ये है नहीं, तो देयर इज अ ह्यूज ट्रस्ट डेफिसिट। तो आप थोड़ा बहुत ये फूड कॉर्पोरेशन का जो जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट के बाद जो सार्वजनिक जो खरीदते हैं फूड कॉर्पोरेशन, इसके बारे में थोड़ा बहुत कहिए और ये ट्रस्ट डेफिसिट के बारे में थोड़ा बहुत कीजिए, थोड़ा बहुत कहिए। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि 2014 में जब सरकार बनी थी NDA2 गवर्नमेंट, तब FCI की रीस्ट्रक्चरिंग एक मैनिफेस्टो में कहा गया था कि हम FCI की रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। उसके लिए शांता कुमार कमेटी बनाई गई और उसकी रिकमेंडेशंस हमने शुरू में डिस्कस की, जिसमें ये कहा गया कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो कवरेज है उसको 67% से घटाकर तकरीबन 40% कर दिया जाए। तो जाहिर है कि लोगों के अंदर ऐसा कुछ फीलिंग है कि हो सकता है कि सरकार PDS में कम कर दे एलोकेशन, और उस एलोकेशन को कम करने की वजह से प्रोक्योरमेंट भी कम करना पड़े। लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसा फैसला नहीं आया है, कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट को माना गया है। जब वो रिपोर्ट प्रेजेंट हुई थी उसके बाद भी कैबिनेट में प्रेजेंट हुई थी तो भी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि इस फौरी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सरकार FCI के ऑपरेशंस को कम करने वाली है। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि पिछले 4 साल में अगर आप देखें तो हमारे प्रोक्योरमेंट में तकरीबन 10% राइस में और 10% गेहूं के प्रोक्योरमेंट में इजाफा हुआ है, और ये बहुत ज्यादा स्टॉक बढ़ते चले जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट के लिए बहुत एक्सपेंसिव है इन स्टॉक्स को कैरी करना। तो मैं ये समझता हूँ, जैसा कि मैंने आज अपने मनी कंट्रोल के लेख में लिखा है, कि अगले 10 साल के लिए कोई पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलके बनाने की जरूरत है कि PDS का क्या रुख होगा अगले 10 साल में, उसके लिए हम कितना प्रोक्योर करेंगे और कहां से प्रोक्योर करेंगे। क्या कोई ऐसे राज्य होंगे जहां हम प्रोक्योरमेंट घटाएंगे? देखिए सिराज जी, ऐसा है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो नया कानून आया है ऐतिहासिक है, इट इज अ वॉटरशेड मोमेंट। विरोधी दल कह रहे हैं कि आप जिस तरह से लाए हैं ये भी ऐतिहासिक है, क्योंकि आपने पूरा देश का संघी ढांचा खत्म कर दिया। वो कह रहे हैं कि लोग आपके बात विश्वास करने के लिए तैयार। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2004 से MS स्वामीनाथन कमेटी की जो सलाह था आपने उसके ऊपर कुछ नहीं किया। आज प्रधानमंत्री कह रहे हम कुछ कह रहे हैं, हम आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, एक देश एक बाजार आपको फायदा मिलेगा। विरोधी दल कह रहे हैं कि ये कॉर्पोरेट को सिर्फ फायदा मिलेगा और किसान को नहीं मिलेगा। तो ये राजनीतिक तू मैं कहां हम पहुंचेंगे? आपका जो आखिरी और क्लोजिंग रिमार्क्स, आप जरा सरल भाषा में समझाइए क्या होने वाले हैं, और ये जो विरोध चल रहा है, ये जो आंदोलन चल रहा है, हमारे देश के जो किसान जो सड़क में निकल गया है, ये आंदोलन कहां तक पहुंचेगा? देखिए अभी तक जो हमने देखा है तो ये आंदोलन पंजाब हरियाणा तक महदूद है। अभी ये जितने तीनों बिल्स आए हैं इनमें कहीं भी कोई गन्ना के बारे में, केन प्राइसेस के बारे में कोई मेजर नहीं है। यानी कि केन के बारे में जितना भी केन का प्रोडक्शन होता है उसको सरकार जो रेट फिक्स करती है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, जो कि MSP की तरह है, उस पर चीनी मिलें बाउंड हैं वो प्राइस पर किसानों से गन्ना खरीदने के लिए। तो इसलिए गन्ना के किसानों को इन तीनों ऑर्डिनेंसेस से और बिल से कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए कोई वेस्टर्न यूपी में एजिटेशन नहीं है। देश के ज्यादातर हिस्सों में जो पल्सेस के किसान हैं, सोयाबीन के किसान हैं, उनका वैसे ही प्रोक्योरमेंट बहुत कम होता है, वो ज्यादा इससे प्रभावित नहीं है। क्योंकि प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस सबसे इफेक्टिवली पंजाब और हरियाणा ने किए, और मैं उन दोनों राज्यों की सराहना करता हूं कि पिछले 40 साल से वो पूरे देश को फूड सिक्योरिटी दिए हुए हैं, हमें उन्हें अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। उन्होंने बहुत एफर्ट करके अपने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया, मंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ठीक है उन्होंने टैक्सेस कलेक्ट किए भारत सरकार से, लेकिन उन्होंने उसको इन्वेस्ट भी किया। तो मैं ये नहीं चाहता कि हमारा मीडिया और हमारे पॉलिटिकल क्लास और हमारे एडिटर्स पंजाब और हरियाणा को अंडरमाइन करें, उनके बारे में लिखें कि वो लूट रहे हैं केंद्रीय सरकार को, इस तरह के ट्वीट्स में देख रहा हूं एडिटर्स के। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि उन्होंने
फूड सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। केंद्र सरकार को सभी राज्यों के साथ बातचीत करके, जैसा कि मैंने कहा, अगले 10 साल का एक रोड मैप बनाना चाहिए जिसमें कि ये क्लियर हो कि हम किस डायरेक्शन में अपने एग्रीकल्चर को ले जाना चाहते हैं। क्या आप समझते हैं सचमुच हमारे किसान का आमदनी दुगना हो जाएगा? कब होगा, क्या लग रहा है आपको? प्रधानमंत्री ने वादा किया, एक बार नहीं बार बार। देखिए, अब उसके बारे में आजकल तो कोई चर्चा नहीं है और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अब क्या कहा जाए जब जीडीपी का डेटा भी बैक डेट से रिवाइज हो जाता है, डिमोनेटाइजेशन ईयर में हाईएस्ट ग्रोथ आ जाती है, तो फिर अब डेटा क्या दिखाएगा हम कह नहीं सकते। धन्यवाद सिराज हुसैन जनाब, आपने न्यूज़ क्लिक का दर्शक के साथ बारीकी से ये जो नया कानून आया है कृषि क्षेत्र के लिए, कृषक के लिए, किसानों के लिए, इसका माने क्या है, इसका मतलब क्या है, और समय बताएंगे कि सचमुच फायदा किसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। धन्यवाद और आप लोग देखते रहिए न्यूज़ क्लिक।